मौत की खबर आई, तब आप उस समय कहाँ थे, कैसे आपको खबर मिली, आप मौका वारदात पर आप गए तो आपने क्या लिखा? सबसे पहले तो ऐसा था कि परवीन बॉबी के जो घर का जो फ्लैट था, उनके फ्लैट के जो सोसाइटी के मेंबर और चौकीदार था, उन्होंने पाया कि उनके घर के जो दूध और पेपर है वो एक दो दिन से उठाए नहीं गए हैं। तो उनको कुछ डाउट आया तो उन्होंने नॉक किया, कोई रिस्पांस नहीं आने पर उन्होंने बाहर से लॉक तोड़ा। तोड़ने के बाद अंदर जाकर उन्होंने बेडरूम में देखा तो प्रवीण भाभी को देखा तो उनको लेटी हुई पाई गई और उनके सांस चल नहीं रही थी। तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस स्टेशन से मेरे को इन्फॉर्मेशन आई। वो शायद छुट्टी का दिन था और हम सब इमीडिएटली स्पॉट पर गए, करीब शाम को 4:30 बजे का वक्त था और सारे लॉके अंदर से बंद थी, उनको खोला गया और जो उनकी हालत थी वो काफ़ी बॉडी डिकम्पोज हालत मिली थी। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1.5 से 2 दिन पहले उनकी मौत हुई हो। और फिर हम लोगों ने उनका बॉडी को पीएम के लिए भेजा। घर की हालत बहुत ही ख़राब थी, इन द सेंस की अस्त व्यस्त नहीं थी लेकिन बहुत ही एक दयनीय स्थिति में थी, पूरी गंदगी फैली हुई थी। बाद में अगले दिन उनके काफ़ी सो कॉल्ड रिलेटिव्स क्लेम करने आए और चूँकि कोई लीगल हेयर नहीं होने के कारण इस बारे में भी पुलिस को काफ़ी दिक्कत हुई। और उनमें से एक को जो सबसे सूटेबल लगा, आफ्टर पीएम हमने उन्हें बॉडी दी और अगले दिन उनका करीब सांतापुर के सामने जो एक कब्रिस्तान में उनमें उनको दफन किया गया। बाद में पीएम रिपोर्ट में वो नेचुरली डेथ आया, इट वाज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ सम ड्रग्स। और कई तरह की थ्योरीज आई और सारी थ्योरीज पे पुलिस ने वर्कआउट किया और अल्टीमेटली ये नेचुरली डेथ था, जो कि एक लोनली पर्सन का एक अपने रूम में जो कि समाज से काफ़ी दिन से कटा हुआ था, खुद ही ऑर्डर करके खाना मंगाना या खाना नहीं बनाना, किचन वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, सारी करीब करीब चीज़ें थी, तो उस हिसाब से ये डेथ पाया गया था। सर ये जानना चाहेंगे कि रिलेटिव्स और उनके आए थे तो क्या और उनकी प्रॉपर्टी में भी कुछ क्लेम कर रहे थे ऐसा कुछ था? हाँ कुछ? नहीं, शुरुआत में तो पहले दिन चूँकि ना कोई उनका लीगल हेयर था, ना शादी हुई थी, ना माँ बाप कोई उनका मौजूद था, ना फ्लैट में कोई था, ना रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं था। तो बाद में गुजरात से 2-3 लोग आए थे, तो जो हमको मोस्ट सूटेबल विद द कंडीशन कि इट ही विल नॉट बी अ लीगल हेयर, तो हमने उसको बॉडी दफनाने के लिए सिंपल उतने काम के लिए उसको दी थी। बाद में इस बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी और ये प्रॉपर्टी हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया कि इसका एक लीगल हेयर कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसको अक्वायर भी किया था और लीगल हेयर के लिए उन्होंने अपना जो लेवल पर जो कार्रवाई है वो उन्होंने की थी और उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की होगी। नहीं, फ्यूनरल के स्पॉट पे मैं नहीं था, मैं पुलिस स्टेशन में था, लेकिन बॉलीवुड से कुछ लोग आए थे इतना मुझे मालूम है, जिसमें से महेश भट्ट और काफ़ी दो डैनी और एक दो और लोग भी आए थे। सर कुछ दिनों पहले जब वो न्यूयॉर्क से वापस आई थी तो उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि मेंटली हालत उनकी ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने कुछ FIR दर्ज करवाए थे किसी बॉलीवुड स्टार के खिलाफ, उन्होंने बिल क्लिंटन के खिलाफ भी करवाए थे, उस बारे में कुछ जांच पड़ताल की गई मौत के बाद की गई, सुसाइड तो नहीं, इनको हत्या तो नहीं कर दी गई, इस तरीके से कुछ पुलिस ने खोजबीन की थी? देखिए, उन्होंने FIR तो नहीं, कुछ एप्लीकेशन वेरियस ब्रांचेस ऑफ पुलिस को भेजे थे लेकिन उनमें किसी में भी तथ्य पाया नहीं गया था और पुलिस की जो जांच हुई थी और जांच क्लोज की गई थी वो नेचुरल डेथ के हिसाब से ही की गई थी। मतलब और किसी बॉलीवुड स्टार से कुछ पूछताछ या ऐसा कुछ नहीं हुई? जो भी था सब प्रक्रिया के भाग में, अंत हमारा ये था कि इट वॉज अ नेचुरल डेथ। सर और कुछ आपने पीछे की जांच पड़ताल की कि इनकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी या कहीं आप लोगों ने और देखा कि इस वजह से? नहीं, हमारे को सस्पिशन नाम की इससे कोई चीज़ नहीं थी कि जो इस चीज़ को इंडिकेट करता कि हम बिना मतलब के और किसी पे इंक्वायरी करें, तो जो चीज़ें हमारी को इंडिकेट हुई थी सारे चीज पहलू की जांच की गई थी, जो जरूरत था उस हिसाब से हमने कार्रवाई की थी। सर वॉचमैन से कुछ क्या पूछताछ हुई, इसमें क्या निकला, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की होगी क्योंकि उनके घर के बिल्डिंग के नीचे रहते हैं, उनको आते जाते वो देखते होंगे, उनसे कुछ बातचीत? नहीं, उनसे बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जो कि सस्पिशियस बताता हो, जो हमारी अभी आज के 2-2.5 साल पहले की बात है, लेकिन सारे पहलुओं की जांच की गई थी और कहीं से भी कुछ तरह किसी भी तरह का कोई डाउट जैसी चीज उस जमाने में नहीं आई थी। सर फिलहाल उनके रूम में कोई रेंट पे रह रहा है या कुछ इस बारे में कुछ कहेंगे क्योंकि क्या रिलेटिव उसको दिया नहीं गया तो क्या? नहीं, इसके बारे में हमने उन्हें गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी थी और गवर्नमेंट प्रोटेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज है, ही इज सपोज टू टेक डिसीजन, और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लिया होगा वो लिया होगा, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा।